subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड बंद हुआ है 50,644 रुपये, लगभग 270 रुपये गेन के साथ। यहाँ अगर हम मंथली चार्ट पे देखेंगे तो मंथली चार्ट पे हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग फ्लैट पॉजिटिव, लगभग 100 रुपये के गेन के साथ। मगर यहाँ रेड कैंडल दिखाई दे रही है, क्योंकि जहाँ ओपन हुआ था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है प्राइस, तो उसके वजह से रेड कैंडल है। और ये लगभग चौथी रेड कैंडल होगी अगर हम नीचे क्लोज होते हैं तो। क्लियर कट ऑन मंथली चार्ट हम करेक्टिव ट्रेंड में हैं। ऊपर के टारगेट अचीव करने के बाद गोल्ड जो है तो अभी धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहा है और हम बढ़ रहे हैं 20 मंथ का जो एवरेज है उसके तरफ, जो है सिचुएटेड अराउंड 47,500 के, तो उसके तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ लॉन्गर टर्म व्यू करेक्टिव रहेगा, हमें प्राइजेज जो है तो नीचे जाती हुई दिखेगी गोल्ड की। तो यहाँ सलाह रहेगी कि जो इन्वेस्टर है वो वॉच करे 43-44 का लेवल, उसके अराउंड आता है तो गोल्ड जो है तो एक वैल्यू बाय बनेगा विद अ लॉन्गर टर्म होराइजन। और जिसका टारगेट मेरा रहेगा लगभग 80,000-85,000 आने वाले 3-5 सालों में, तो आपको एंटर करना है 43-44 के अराउंड, जो है वैल्यू बाय एरिया फॉर गोल्ड प्राइजेस। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे इस वीक जो है तो लगभग 1% गेन के साथ हम बंद हुए हैं। और यहाँ जो है तो गोल्ड ने 50 वीक का जो एवरेज है उसके अराउंड सपोर्ट लिया है। चार्ट पे ऊपर के लेवल अचीव करने के बाद धीरे धीरे गोल्ड प्राइसेस मेजर एवरेजेस की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अभी नीचे जो है तो 47,900 का लेवल बचा है। मुझे लगता है कि गोल्ड जो है तो आने वाले हफ्तों में ये जो 49,000 का लेवल है ये भी तोड़ देगा और नीचे जो है तो हम 47-48 के लेवल की तरफ बढ़ेंगे। उसके नीचे जो है तो 43-44 के भी लेवल गोल्ड में आते हुए दिखेंगे हमें इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म। वीकली चार्ट जो है तो वहाँ भी क्लियर कट करेक्टिव पैटर्न्स है। यहाँ सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। नीचे जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 49,000-48,000 फॉर मीडियम टर्म। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 51,000-52,000 के रेजिस्टेंस लेवल है फॉर गोल्ड ऑन वीकली चार्ट। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि ऊपर के टारगेट अचीव करने के बाद जो टैक्स रेस किया था गवर्नमेंट ने, उसके बाद वो एक जो है तो आर्टिफिशियल पंपअप था, वो सब प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो गया। और आपने देखा कि गोल्ड किस तरह से नीचे आया है। अभी ये जो है तो ये 200 डेज का जो एवरेज उसके अराउंड कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद में जो है तो फाइनली ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ थोड़ी देर तक गोल्ड जो है तो कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ी अपसाइड भी दिखा सकता है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है आने वाले दिनों में वो रहेंगे लगभग 51,000-51,450 के, तो उन लेवल के अराउंड अगर गोल्ड मिलता है तो सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। नीचे जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 50,000 और उसके नीचे जो है तो 49,000 के भी लेवल आपको देखने को मिलेंगे गोल्ड में इन शॉर्ट टर्म। यहाँ क्लियर कट सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। अभी जो है तो बाउंस बैक मूव है, तो ये बाउंस बैक मूव थोड़ी ऊपर की तरफ एक्सटेंड भी हो सकती है। वो ख़त्म होने के बाद आपको जो है तो अच्छे खासे शॉर्टिंग के मौके मिलेंगे। अभी शॉर्ट करना है नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको थोड़ा सा बाउंस बैक होने देना है और उसके बाद में जब रेजिस्टेंस के अराउंड आएगा और जब ये वीकनेस देखने दिखाएगा तब हम इसको शॉर्ट करेंगे। और नीचे जो है तो शॉर्ट टर्म में 50,000-49,000 के टारगेट हम रख सकते हैं, जो कि आपको आने वाले 1-2 हफ्तों में दिखेंगे। अगले हफ्ते जो है तो एक बाउंस बैक मूव आ सकता है गोल्ड में, जो गोल्ड को लेकर जा सकता है 51,450 से लेकर 51,800 के लेवल की तरफ। तो उन लेवल की तरफ आता है और वहाँ वीकनेस दिखाई देती है तो हम बिल्कुल शॉर्ट जा सकते हैं गोल्ड पे। और हमारे टारगेट जो रहेंगे वो मोस्टली डाउन साइड ही रहेंगे। हम यहाँ जो है तो बाइंग के मौके नहीं ढूंढेंगे, यहाँ मोस्टली हम सेलिंग के मौके ढूंढेंगे। बाइंग जो है तो इंट्राडे बेसिस पे कर सकते हो, मगर पोजिशनल आपको कैरी करना है तो आई विल सजेस्ट कैरिंग शॉर्ट वो भी ऊपर के लेवल पे, क्योंकि यहाँ जो है तो बड़े जो चार्ट है वीकली और मंथली वहाँ वीकनेस है और यहाँ आपको कभी भी गोल्ड में क्रैक डाउन आते हुए दिखेगा। तो यहाँ सेल ऑन राइज भी रहेगा, करंटली यहाँ बाउंस बैक मोड चल रहा है, तो आपको इंट्राडे में लॉन्ग कर सकते हो और जब ये रेजिस्टेंस के अराउंड कंसोलिडेट करने लगेगा त,
तब आपको जो है तो शॉर्ट पोजीशन लेनी है उतना स्ट्रिक स्टॉप लॉस, और जो आपके टारगेट रहेंगे वो 49,000 और 50,000 के इन शॉर्ट टर्म रहेंगे। तो डेली चार्ट पे आपको बाउंस बैक पे सेल करना है, वीकली चार्ट पे भी आपको जो है तो बाउंस बैक पे ही सेल करना है, ऊपर 51,000 52,000 के लेवल जो है तो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे। और हमें जो है तो वीकली चार्ट पे जैसे ये ब्रेक करेगा 49,700 का लेवल, आपको जो है तो अच्छी खासी बिक वाली गोल्ड में आती हुई दिखेगी। मंथली चार्ट पे भी लॉन्गर टर्म करेक्शन ड्यू है, और यहाँ जो है तो हम 48,000 से लेकर डीपर 43-44 के भी लेवल गोल्ड में आते हुए देख सकते हैं इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म। 44,000 का लेवल जो है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा लेवल रहेगा, एक वैल्यू लेवल रहेगा। जिन्हें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो उन्हें वेट करना चाहिए 43-44 के लेवल का, उसके अराउंड जो है तो गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट कमोडिटी कॉल चाहिए विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।